नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2022 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए लेकर के आ रही है। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बोर्ड के नए नियम बदलाव के अनुसार 90% छात्रों को पास किया जाएगा। और इसी के बीच दोस्तों, रिजल्ट में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले 25 मई को ही रिजल्ट जारी हो रहा था लगभग दोस्तों। अब तक 6 दिन का समय हो चुका है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट की लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने रोल नंबर भी कमेंट करना। तो 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को करना होगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, परिणाम घोषित करने का जो 25 मई का था दावा, वो दोस्तों फेल हो गया। और रिजल्ट नहीं आने से लगभग 27 लाख छात्रों को समय पर रिजल्ट देने में शिक्षा विभाग पूरी तरह विफल रहा है। 25 मई को रिजल्ट घोषित करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि रिजल्ट में अभी 5 दिन का और समय हो गया है। यानी कि 25 तारीख के बाद 5 दिन और हो गए हैं, 6 दिन और 31 मई हो गई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं 8वीं क्लास की बोर्ड पैटर्न की परीक्षा ली थी। ये एग्जाम 28 मई को ख़त्म हो चुका था। इसके बाद टीचर्स ने कॉपी चेक करवाई गई, कॉपी भी तय समय पर चेक हुई, लेकिन नंबर फीड करने का जो काम था वो इतना सुस्त था कि 25 मई के बाद भी फीडिंग होती रही। यानी कि जो नंबर है वो फीड होते रहे, लगभग 98% नंबर ही फीड हो पाए थे। इस वजह से रिजल्ट में देरी हुई। 27 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है, मार्कशीट तैयार कर रहा है बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग पंजीकरण कार्यालय अब मार्कशीट तैयार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 7 जून तक आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी कि रिजल्ट में अभी समय लगेगा दोस्तों, 1 या 2 जून को आपका रिजल्ट कक्षा 5वीं का आएगा। आज आपका कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने की संभावना है, जिसको लेकर मैंने चैनल पर वीडियो डाल दी, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दरअसल 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद ही अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट अन्य स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में ये समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल अपर प्राइमरी तक हैं। वहीं इन 8वीं बोर्ड में स्टूडेंट को फेल होने का इंतजार है, फेल होने का प्रावधान है। इससे स्टूडेंट परेशान है कि वो फेल तो नहीं हो जाएंगे। 2 साल कोरोना के कारण स्टूडेंट सीधे प्रमोट हुए थे, लेकिन इस बार एग्जाम हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि कक्षा 5वीं के छात्र परेशान नहीं हैं, कक्षा 8वीं के छात्र ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर वो फेल होते हैं या फिर उनका एडमिशन अगली क्लास में उन्हें एडमिशन भी लेना है, 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। ऐसी दोस्तों कल अपडेट आई थी, तो कल तो रिजल्ट नहीं आया है। आशा करते हैं कि 1 जून यानी कि कल रिजल्ट जारी हो सकता है। आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज आपका कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है शाम को 4 से 5 बजे के मध्य। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के नए नियमों के अनुसार लगभग 90% छात्र तो पास हो जाएंगे। अगर मैं 27 लाख छात्रों से बात करूं तो 14 लाख छात्र तो दोस्तों कक्षा 5वीं के लिए तो सभी पास होंगे, लेकिन कक्षा 8वीं की बात करूँ तो 12,63,000 के आसपास छात्र हैं। इनमें से लगभग आप माने चलिए कि 63,000 छात्र फेल होने की संभावना है। हालांकि उनको कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं का रिजल्ट कल आने की संभावना है। 98% जो नंबर हैं वो अपलोड हो गए हैं, यानी कि आपकी मार्कशीट नेट पर डाल दी गई है। कल आपका रिजल्ट आने की संभावना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान बोर्ड की 5वीं 8वीं की लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।